नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील में स्थित दौलत इब्राहिम का मकबरा है। इनका असली नाम राजा हरबंस सिंह था। बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, जिससे नाराज होकर रानी उन्हें छोड़कर चली गई। उनके जाने के कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो गई और इस्लाम धर्म के अनुसार राजा हरबंस सिंह को इस मकबरे में दफनाया गया। इस मकबरे को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस मकबरे से सटे हुए एक बड़ा तालाब है जिसमें तमाम गंदगी है। उसके चारों तरफ कूड़ा कबाड़ फेंका हुआ है, जो कि भारत सरकार की स्वच्छता मिशन अभियान की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अगर इस तालाब का सुंदरीकरण हो जाए और आसपास की गंदगी साफ हो जाए तो मेहनगर टाउन एरिया का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग हजारों की संख्या में आ सकते हैं। लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान इस तरफ आज तक नहीं गया, न ही कोई मंत्री, सांसद, विधायक और जिले के आला अफसरों का ध्यान इस तरफ गया। इस समय आपको ले चलता हूँ आजमगढ़ जिले के मेहनगर ब्लॉक में। मेहनगर ब्लॉक की एक अनूठी कहानी है। यहाँ पर एक भव्य स्मारक है। इस स्मारक को देखने के लिए पिए आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ पुरातन विभाग जो है इसका सर्वेक्षण करके इसको अपने अंडर में रखा है और यहाँ जो है एक मकबरा है। वो मकबरे के विषय में जो है यहाँ के लोगों से मिलते हैं और वो बताएंगे कि यह मकबरा किसका है, कब बना और किस परिस्थिति में बना। तो सर ये बताएंगे आप, यहाँ पर जो है ये मकबरा जो है किसका है और कब बना और कैसे बना, अगर आपको इसके विषय में जानकारी हो तो बताएं। और सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है योगेंद्र यादव सर, मैं यहाँ का स्थानीय रहने वाला हूँ। और यह मकबरा राजा हरिवंश सिंह यहाँ राज करते थे और कुछ विषम परिस्थितियों के कारण इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करना चाहा और परिवर्तन भी किया, जिससे क्षुब्ध होकर इनकी रानी ने यहाँ से इनका साथ छोड़कर चली गई। और इन विषम परिस्थितियों में राजा हरिवंश सिंह अपने धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए और दौलत इब्राहिम के नाम से प्रख्यात हुए। और इस तरह से इस धरोहर को सरकार के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया, उसकी देखभाल आज पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या क्या है इसमें, जैसे बताएंगे ये कैसे बना है और इसमें क्या क्या मटेरियल लगे हुए हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं? बिल्कुल सर बताएंगे। इनकी विशेषता है सर कि ना तो इसमें कोई सीमेंट लगा हुआ है और ना तो कोई सरिया लगी हुई है और ना कोई विशेष सपोर्ट लगा गया है। इसमें सिर्फ सुर्खी चूना और पत्थरों के माध्यम से इसको बनाया गया है और बहुत ही भव्य बनाया गया है सर। और इसका विशेषता यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का सरिया, किसी भी प्रकार का सीमेंट, ना तो कोई सपोर्ट, इस तरह से ये बनाया गया है और बहुत ही दिव्य बनाया गया है और मजबूत बनाया गया सर। इसको आप लोग भी यहीं से हैं? कहाँ आप लोगों का स्थानीय हो यहाँ के? आप यहाँ के स्थानीय हैं? इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? इसके बारे में साफ नहीं जानता, कुछ लोग बता सकते हैं? चलिए मैं आगे आपको जो है ये दिखाता हूँ कि यहाँ जो है किस तरह से, पहले ये अंदर का नजारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।